ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार को जहां संसद के मानसून सत्र से पहले जारी की गई अमर्यादित शब्दों की सूची पर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब एक और नया आदेश जारी हो गया है। गुरुवार को देर शाम को एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसके अनुसार अब संसद भवन परिसर में प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। सचिवालय की ओर से इसके लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया है। संसद के सेक्रेटरी जनरल के नए आदेश के अनुसार संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए अब इस परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस आदेश के सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि विश्व गुरु का नया काम धरना मना है। एक के बाद एक आए नए आदेशों को देखते हुए इस बार का संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। आपको बता दें, 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले ही नए आदेश जारी हो रहे हैं, जहां गुरुवार को लोकसभा सचिवालय से अमर्यादित शब्दों की लिस्ट जारी हुई तो देर शाम को संसद भवन परिसर में धरना न देने का आदेश जारी हुआ। संसद के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संसद में सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी तरह के धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य संसद भवन के परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो एक के बाद एक आए इन दो आदेशों के बाद संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ तकरार देखने को मिल सकती है। वहीं सरकार ने पहले अमर्यादित शब्दों और अब संसद परिसर में धरने पर रोक लगाकर विपक्ष के हाथ बांधने की कोशिश की है। वहीं संसद के सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस आदेश की एक प्रति अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया काम धरना मना है। बता दे, इससे पहले असंसदीय शब्दों के संकलन या शब्द कोश को लेकर उठे विवाद के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ किया कि कोई भी शब्द प्रतिबंधित नहीं है, यानी सूची में दिए गए शब्द भी सदस्य बोल सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल गलत संदर्भों में नहीं किया जाना चाहिए। अगर संदर्भ गलत होगा तभी उसे संसदीय कार्रवाई से हटाया जाएगा। वैसे वह उपेक्षित है कि सदस्य संसद की मर्यादा का पालन करें और आमजन में संसद की छवि ठीक करें। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई असंसदीय शब्दों की नई बुकलेट में जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट जैसे कई शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यू इंडिया की न्यू डिक्शनरी असंसदीय का मतलब चर्चा और बहस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से है, जो पीएम के कामकाज का सही वर्णन करता है, जिसे अब बोलने पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी ने एक असंसदीय वाक्य का उदाहरण भी पेश करते हुए लिखा कि जुमला जीवी तानाशाह ने अपने झूठ और अक्षमता का खुलासा होने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय 2 गुनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं थैंक यू बोला जाए। पीएस, संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द किसने प्रयोग किया था? वहीं जारी की गई बुकलेट में अंग्रेजी हिंदी के कई शब्दों को रखा गया है। वहीं बुकलेट जारी होने के एक दिन बाद विपक्ष ने इसे असंसदीय कहा है। गुरुवार को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का प्रतिबंध अनावश्यक है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में लिखा कि अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है? जुमला जीवी को जुमला जीवी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। पाखंड, शर्म, गाली आदि पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वह इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, सरकार चाहे तो उन्हें निलंबित कर सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि
आज कहते हैं कि यह शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते, कल कहेंगे कि संसद में आना है तो भगवा कपड़े पहनकर आओ। इन चीजों को देखने के लिए संसद में नियम और नैतिक समितियां है या दूसरा संसद बनाकर दूसरा गणतंत्र बनाते जा रहे हैं। हम इन शब्दों में इस्तेमाल करते रहेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी, जुमले का मतलब जाकर पढ़ ले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।